गुड मॉर्निंग भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल एडवेंचर्स दीपक। आज हम आए हुए हैं पिपरिया, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। कल मैं निकला था सुबह, दोपहर को निकला था, सुबह निकलने वाला था लेकिन निकल नहीं पाया। तो कल मैं दोपहर को निकला था, शाम को पहुँचा। तो अगर आपने रोड की सीरीज नहीं देखी होगी तो ऊपर आइकन आ रहा होगा, आप वहाँ के निकल के अपनी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आज सुबह आया भी घूमने के लिए, तो यहाँ देखो कितना कोहरा हो रहा है। यहाँ इतनी बुरा हाल है कि सामने का बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा, भांजा जा रहा है आगे, दिख भी नहीं रहा। देखो इतना बुरा हाल है कि दिख भी नहीं रहा। अभी हम चल रहे हैं, एक मंदिर है यहाँ पे, माता मंदिर, माता खैरानी के नाम से। तो एक बार घूम के आते हैं, देखते हैं अंदर कैसा मंदिर है। काफ़ी दिन से सोचा था मैं निकलने की, निकल नहीं पा रहा था, तो अब मिला है टाइम, तो चलते हैं एक बार। चलो ये देखो, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मतलब इतना कोहरा पड़ रहा है कि पैर की उंगलियां सुन पड़ गई हैं, हाथों की उंगलियां सुन पड़ गई। अब आज हमारी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो आज हम वापस निकलेंगे अपने घर की तरफ। और घर जाके अब कल से फिर वही ऑफिस ड्यूटी शुरू हो जाएगी। इतना बुरा हाल है, हाथ की उंगलियाँ सुन पड़ गई और पैर में भी ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम गांठ सी बन गई, दर्द सा हो रहा बहुत ज़्यादा ठंड के मारे। एक तो हम चप्पल और पहनी आए, जिसकी वजह से ना सुननी पड़ रही उंगलियाँ। मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे का, एक मिनट। इतना बुरा हाल है, बुरा हाल के ठीक है, मज़े आ रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम 10-11 बजे तक यहाँ से निकल जाएं फरीदाबाद के लिए, कि जितना हम लेट यहाँ से निकलेंगे उतने ही लेट रात को पहुँचेंगे। कोहरा हो रहा है, मज़े आ रहे हैं। ये देखो धुंध इतनी है, सुबह के अभी 9 बज रहे होंगे ना, 9 बज रहे होंगे, ये बज गए, हाँ 9 बजने में अभी हैं, 10-15 मिनट बाकी हैं, 9:15 के करीब हो रहे हैं। यहाँ पे अभी इतना बुरा हाल है, मज़े आ रहे हैं देखने में, धुंध इतनी है, पता नहीं बाइक से जाएंगे कैसे वापस यार। चिड़िया हमारे दिल्ली की तरफ, फरीदाबाद की तरफ इतनी तो चिड़िया मिलती भी नहीं है देखने के लिए, जितना यहाँ गाँव में मिल जाती है देखने के लिए। सही लग रहा है देखने में, एकदम मस्त गाँव का मज़ा ही कुछ और है यार। ये स्कूल है यहाँ का, मोहर श्री हेतम सिंह स्कूल। यह है स्कूल, बच्चों के स्कूल खुल गए होंगे यहाँ तो। अच्छा यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी वही है 9-12 बच्चों का, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और सब सर गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहे हैं अभी भी काम। सही है यार, ठंड हाथ में पड़ गए। ऐ कुची पुची, ये देखो ठंड लग रही है, कितने प्यारे क्यूट क्यूट से पपी। बाबू ठंड लग रही है, माचिस नहीं लाए, आग लगा देते यार आज पास। कपड़ा नहीं है ना कोई, ठंड लग रही है ना, कोई कपड़ा भी नहीं है यार लाए।
पे पलटे हैं। अरे उड़ ले भाई उड़ ले, गंदा तो है ये, उड़ ले यार, ठंड उड़ ले, बहुत कोई बात है। नहीं, तू भी आ जा। अरे रुक जा, चलो भाई। भाई इतने प्यारे क्यूट से पप्पी हैं, घर ले जाने का मन कर रहा है। ये सरसों खड़ी है यहाँ पे, ये नज़ारा बढ़िया भाई, मज़ेदार एकदम। कितना क्यूट लग रहा है ये, देखो। यहाँ मंदिर सामने ही तो है, ये अब दिख रहा ही नहीं। कोहरे की वजह से मंदिर भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो सरसों खड़ी है चारों तरफ, कितना अच्छा लग रहा है। सरसों ही है नहीं, कुछ और ही हो? सरसों हाँ सरसों ही है भाई। और ये वो किसके पेड़ है वो लगा रखी है? गेहूं। वो गेहूँ है इसके पीछे की तरफ। सही है, ये नज़ारा है अपने यूपी का, क्या मस्त है एकदम। चारों तरफ मतलब खेत ही खेत, जितना घूमो उतना कम है ऐसी जगहों पे। तो कोई देख लेगा तो पकड़ के और मारेगा, ठंडे में एक मारेगा 10 के बराबर लगेगी। ये देखो इधर, इधर भी सरसों खड़ी है पूरी। शादी वाली ताल लगाते हैं ये हाँ एक मिनट रुकना, एक छोटा सा फोटो तो बनता है यार। ये लेते हैं ऐसे, फोटो तो बनता ही है भाई। इतना मस्त अच्छी जगह है एकदम सुनसान, एक तो शांत है, शांत वातावरण है। हाँ अगर ध्यान से सुने ना तो हमें चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है चहचहाने की। ये सुनाई अच्छा लग रहा सुनने में। ऊपर से पत्ते झड़ रहे हैं, ये भी अभी गेहूँ लगाया ना ये भी। हाँ ये भी देखो यहाँ पर गेहूँ लगा रखे हैं, ये तो अभी लगाए हैं शायद। जगह नहीं है, मस्त है एकदम। सरसा तेल फैला दिया यार तुमने सारा, आज सरसों गिर गया तो तेल ही गिर गया यार सारा। एक पत्ते में तो एक बूंद तेल तो निकल ही जाएगा। पैर सुन पड़ गए, चप्पल पहन के आए दोनों के दोनों। ये बिजली खंभे वगैरह सही है जुगाड़। अच्छा वो उस वाले रास्ते से भाई, उस रास्ते वाले रास्ते देखते हैं भाई।
भाई इसमें तार को चार चलाने की आवाज़ आ रही है, ये हाइड्रेंशन के तार, ये देखो इतना मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने में, इसी में से आ रही है आवाज़ ये। अरे यार आवाज़ से पता नहीं चल रहा कितनी भयंकर आवाज़ में करंट होगा, ये तो लगती फाड़ देगी इंसान को। किधर रह गया मंदिर? अब फाइनली पहुंच गए मंदिर के पास। सही में नीम के पेड़ के नीचे तो बारिश हो रही है यार, गीला हो रहा है पत्ते पे से पानी, वो ओस पड़ी है ना रात में तो टपक रही है बूंदे। ये पहुंच गए खेरानी माता मंदिर के पास, ये देखो ये है खेरानी माता मंदिर। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि एक तो सुनसान है, मंदिर भी काफ़ी ऊंचा है, ऊंचा मंदिर है काफ़ी। तो चलते चलते मंदिर पहुँच गए, मंदिर ये है पीछे की तरफ, बिल्कुल सही लोकेशन पे बना है, बिल्कुल सही लोकेशन पे है, एकदम बढ़िया खेतों के बीच में, देखने में अच्छा भी लग रहा है। आपको एक चीज़ दिखाऊं पीछे का, मंदिर के पीछे का नज़ारा है, अच्छा लग रहा है एकदम सही जगह पे है भाई, पीछे खेत अगल बगल में खेत सामने का रास्ता दे रखी है, बस बढ़िया है एकदम। पैर जाम हो गया यार नंगे, एक तो यहाँ पर मंदिर में आने का चप्पल उतार दी तो पत्थरों पर चला भी नहीं जा रहा, ये देख हाँ मस्त एकदम, हवन कुंड में भी गर्म होगा ना नीचे से इसलिए ऐसे सो रहा है, सही है। अब चल रहे हैं वापस घर की तरफ क्योंकि अभी हमें अभी निकलना है, 11 बजे करीब निकलेंगे यहाँ से भाई। अब देखते हैं धन्नो स्टार्ट होगी कि नहीं सर्दी में, तो अब चल रहे हैं यहाँ से। दूसरे रास्ता कहाँ से थी अब पता नहीं थी, यहीं से है। चलो ठीक है भाई अब चलते हैं हम भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब करना ताकि सपोर्ट मिले। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरा वीडियो बनाने का काम बेकार है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और इंस्टाग्राम पे मैं इसके फोटो सारे फ़ोटो शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डाल रखा है, तो वहाँ जाके मेरी आईडी पे जाके मुझे फॉलो करें ताकि आने वाली वीडियोस के सीरीज़ वगैरह जो भी हैं मैं सब वहाँ स्टोरीज पर डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि सपोर्ट मिले यार, अच्छा लगता है।